की जनाबे आली, सवा घंटे से बैठे डेढ़ घंटे से। दिल्ली के 3 मेयर हैं और बीजेपी से हैं, और यहाँ हमारे निगम पार्षद जो हैं कांग्रेस से हैं जी, और यहाँ विकास की स्थिति इस हालत में है, ना सफाई है और ना कूड़ा उठना है, और लोग परेशान हैं। और यहाँ जो कुछ जनता के लोग हैं खासतौर पर एक खास विशेष, तो वो सिर्फ जुमलेबाजी पे ही अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि हमारी हम जिस पक्ष से हैं उनका तो एक मैसेज है, वो साफ सुथरा है कि मजहब कुछ हो, हिंदी हैं हम सारे भाई भाई हैं, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शेदाई हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, भारत नाम के आशिक हम भारत के शेदाई हैं। यह अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, और बीजेपी ने जो काम किया है यहाँ पर 3 मेयर होने के बावजूद, पूरा स्वच्छ भारत के नाम पर यहाँ पर जो गंदगी है सबके सामने है। कुछ भी हो, अगर नहीं खड़े हो पाते तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। सर मैं कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूं, लेकिन पिछले एक साल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यूपी से हूं। यूपी में कहाँ से? सर यूपी में जिला बलरामपुर से। बलरामपुर गोंडा? जी बलरामपुर गोंडा से हूं। मैं कहना चाहूंगा कि मैं पिछले एक साल से दिल्ली में रह रहा हूं, और केजरीवाल से अच्छी कोई सरकार नहीं सकती, क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, स्कूल अच्छे किए हैं, पानी की सुविधा कराई है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरा बिजली का बिल 2500 रुपये आता था, लेकिन आज फ्री है, स्टूडेंट के लिए फ्री है, गरीब बच्चों के लिए फ्री है। जो ज्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं, जिनके घर में एसियां चल रही है, उनका तो बिल आ ही रहा है। देखिए अनिल पटौदिया तिमारपुर से, शीला दीक्षित ने 15 साल में दिल्ली को संवारा, और मेट्रो फ्लाईओवर सब कुछ दिल्ली में शीला दीक्षित ने बनाए और शांति से बनाए। आम आदमी पार्टी 3रे नंबर पर चली गई थी, और बीजेपी को राज्यों में वोट नहीं दिए जा रहे, इसलिए कांग्रेस आएगी और जीतेगी। मैं सर सबने बात करी है, लेकिन दिल्ली की जो यमुना है, यमुना पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो यहाँ स्पेशल घाट है दिल्ली के, जब आ रहा था ना, जब मैंने तिमारपुर की तरफ रखा यमुना क्रॉस करी, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब रो दिया मैं, नाले से भी बदतर स्थिति है। जो वजीराबाद की स्थिति हो रखी है, जो यमुना है, बहुत बुरे हालात है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने किया है पिछले 20 साल से, या तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पे रहे और निगम पार्षद रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के, और इन दोनों ने मिलकर यमुना पे बात करी है। इन दोनों ने मिलकर यमुना से लेकर यहाँ की सड़कों से लेकर और यहाँ के क्षेत्र तक बर्बाद करके रख दिया। यहाँ पर एक भी विकास का काम नहीं हुआ। बच्चे हाईवे, सड़कें तो छोड़ दीजिए, हाईवे पार करके जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और हाईवे पर अक्सर एक्सीडेंट। हाँ जी, यह दिल्ली की बात है और कहीं की नहीं। देखिए मुझे यह लगता है कि पूरे तिमारपुर में गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर बिछ रहा है, विकास के काम हर जगह हो रहा है। मुझे यह लगता है इनके 3 पार्षद, इनके 1 पार्षद, जरा इनको पूछिए कि तिमारपुर के गलियों के क्या हाल है, कचरों का क्या हाल है। मैं एक ही सवाल इनसे पूछा था, हम ये कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत करना। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात कही गई, और उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम पाठ्यक्रम शुरू किया, हैप्पीनेस खुशहाली, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया। अगर तर्जुमा हैप्पीनेस का खुशहाली ना हो या खुशनुमा हो, जो भी हो तर्जुमा, यानी उसका ट्रांसलेशन वो करा जा सकता है, हमने ये इंट्रोड्यूस किया स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। आम आदमी पार्टी कहती है बच्चों को नौकरी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग किया, या उसका पाठ्यक्रम, या पाठ्यक्रम में उसको शरीक किया, ये उसने किया आम आदमी पार्टी ने। तीसरी बात जो उसने कही, मुझे मालूम है कि यहां पर तमाम सारे लोगों के हाथ तुरंत खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लेकिन मॉडल यह है कि उन्होंने भूत विद्या पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने जूता मारकर कैसे बीमारी दूर की जाए ये बताई, ये पाठ्यक्रम उनका होगा। और बीजेपी की तरफ से मैं रुक करता हूं, 10 सेकेंड, उसके बाद आता हूं। जी देखिए, माननीय मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शिक्षा का माहौल है वो है कि हम चंद्रयान पे जाएं, हम मंगलयान पे जाएं, जबकि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसमें ना नए स्कूल बने, 17,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी वो नहीं हुई। हाँ, भूत ये लोग जरूर हैं, क्योंकि आंदोलन के पहले भी इनकी जो योजनाएं थी वो हवा में थी, और 5 साल सरकार बनाने के बाद भी इनकी योजनाएं दिल्ली में हवा में ही रही। 10 सेकंड बैठिए, 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी के जनता के बाद पूरा शो है आज। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा है कि बात करेंगे राम की, लेकिन आपने तमीज देखी कि क्या रखी। खैर माननीय, कहा तो शुरू तो आप ही ने किया, कहा तो आपने कि जूता मारकर, मेरा कहते उनको उत्तर इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाली की राजनीति इन्हें करनी आती है, हमें सिर्फ काम की करनी आती है। आप यहाँ पे एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि भाई रोहिणी के अंदर स्कूल बने हैं?
अब आपके सामने अब मैं इतने ज्यादा भैया कैमरा घुमा दो, अब मैं इतने ज्यादा इन्हें क्या जवाब दूं, और जब ये कह रहे हैं मैं क्या करूं। देखिए अब स्कूल आपके सामने है, आपके सामने है, ये जनता कह रही है कि बने नहीं बना, बना बना नहीं बना, बना बना नहीं बना, आपके सामने है, बीजेपी का है, एक मिनट एक देखिए, अब कितने कमाल की बात है, अगर विधायक ये जो क्या क्या विधायक फंड से पैसे के बना है, क्या विधायक फंड से बने, नहीं इतना भी नहीं मालूम कि स्कूल विधायक फंड से नहीं बनते, वो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने बनवाए हैं, वो कोई आपके विधायक फंड से नहीं बने, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा का स्तर इतना बेहतर है, क्या मनीष सिसोदिया का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या अमायतुल्ला खान के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, और क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, देखिए इनको सब बताएंगे।